जीने की इच्छा ही हमारी शक्ति है। जब जीने की सच्ची चाह मन में हो तब मृत्यु को कठिन ही नहीं असंभव मानो। मात्र जीवन जीवन और हर मूल्य पर जीवन। यदि मन में इसके अतिरिक्त कुछ ना हो तो दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति भी साहसी बन सकता है। तुम ये कह सकते हो कि यह लड़ाई तुम्हारी नहीं है। तो कौन सी लड़ाई लड़ सकते अपनी या उनकी, जिन्हें तुमसे अपेक्षा है, जो निर्बल है। चंद्रगुप्त, जब व्यक्ति के समक्ष दोराहा आता है, जब एक मार्ग चुनना होता है, तब उसका चुनाव दर्शाता है कि वो क्या है, कैसा है, छोटा है, बड़ा, अपने लिए सोचने वाला है या अपने से पहले औरों के लिए सोचता है। तुम्हारे मन और तुम्हारी आत्मा के चुनाव का है। निर्णय कर कि तुम अपनी मन की सुनोगे या अपनी अंतरात्मा। वैसे भी चंद्रगुप्त, जीवन में जब भी कोई निर्णय एक बार कर लो तो पलट कर मत देखो, क्योंकि पलट पलट कर पीछे देखने वाले इतिहास नहीं बनाते। इन सभी गांव वालों के प्राण जा सकते थे। असफलता से सीखना आवश्यक होता है चंद्रगुप्त। किंतु हर बार त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि तुम त्रुटि दोहरा रहे हो तो समझ लो कि कोई चूक अवश्य हो रही है। असफलताओं जीवन में बड़ा महत्व होता है। ये तुम्हें विनम्र बनाती है, शत्रु तक का आदर सिखाती है। बस असफलताओं से सीखने की चाह होनी चाहिए। इस असफलता को भी सीखने का एक और अवसर मानो। इस असफलता से मुझे क्या सीखना चाहिए आचार्य? जब भी कोई योजना बनाओ और यदि वो सफल हो जाए तो क्या उससे बाहर कैसे निकलोगे? इस पक्ष को सदैव याद रखो। नेतृत्व क्या होता है? शत्रु या विपरीत परिस्थितियों के प्रति मन में उनका सम्मान होना। एक अच्छा राजा वो नहीं जो आक्रमण करना जानता है। एक अच्छा राजा वो है जिसे पीछे हटना भी आता है, उन्हें संगठित होने के लिए समय जुटाना भी आता है। पीछे हटने में कोई लज्जा नहीं, अगले दिन नए उत्साह से लड़ पाओ। यही तुमने आज किया चंद्र। गुरुकुल का हर पाठ होता है पूर्व निर्धारित, हर प्रश्न भी, हर प्रश्न का सही उत्तर भी। पढ़ाने से पूर्व जानता है गुरु कि उसे क्या पढ़ाना है, और विद्यार्थी के पास हर समय उपलब्ध होते हैं ग्रंथ। किंतु जीवन में कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं होता, न प्रश्न न उत्तर, न सहायता के लिए गुरु न ग्रंथ। जीवन में हर प्रश्न के एक से अधिक संभावित उत्तर, उचित उत्तर चुनना है बिना किसी सहायता के। जब तुम्हारे समक्ष एक से अधिक विकल्प और निर्णय लेना कठिन हो रहा तो एकाग्रचित होकर ध्यान लगाकर अंतरात्मा को सुनने का प्रयास करो। अंतरात्मा के संकेत नियति को स्वरूप देते हैं। नकारात्मक सोच बुरी होती है बदले, ये एक प्रकार की संक्रामक बीमारी होती है जो अपने आसपास सब में निराशावादी दृष्टिकोण ही फैलाती है। इससे बचना चाहिए, सदैव सकारात्मक ही सोचना चाहिए। मैं
चाहता हूं सकारात्मक सोच सबसे। योजना मात्र कल्पना भी लगे तब भी उस पर विश्वास करो और उसे सच बना दो। हर बड़े कार्य से पहले उसका सपना देखा जाता है और फिर उसे मूर्त रूप दिया जाता है। मात्र इच्छा शक्ति, बस यही एक मूल मंत्र है हर सफलता के पीछे। इच्छा करो, दृढ़ता से चाहो और फिर उसके लिए मर मिटो। विजय सदा तुम्हारा वरण करे। बच सकते हैं। अति बुद्धिमान क्या होता है? सामान्य बुद्धि चातुर्य से कुछ अधिक। संकट में बुद्धिमान नहीं वो बचेगा जिसमें अनुकूलन की क्षमता अधिक हो, जिसने स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया हो, वही संकट से बच पाएगा। और यही सार्वभौमिक नियम है। यह अवसर है पुनर्जन्म का, देश के हित में क्षात्र धर्म से मर मिटने का अवसर है, ये फिर जीने का अवसर है। गौरव जो मिट चुका है देश का, उसे पुनः पाने का अवसर है। मातृभूमि को नमन कर सके इस लायक बनने का अवसर है। एक नए नव निर्माण का अवसर है। निर्णय आपको लेना है, चाहे तो आप सब अपनी पराजय के साथ जीवन भर सर झुकाकर पशुवत जी सकते हैं, या फिर अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के महाअभियान में मेरा साथ दें। मेरा सदा पराजय की अनित्यता में विश्वास रहा है। अनित्य होती है पराजय। व्यक्ति चाहे तो फिर से प्रयास कर सकता है विजय के लिए। जब वो मन से पराजय को स्वीकार करता है तब वो होता है पराजित। कई बार मन से पराजय को स्वीकार करने वालों को, हार से हताश होने वालों को इस बात का पता ही नहीं होता कि जब उन्होंने साहस छोड़ा तब वो विजय के कितने निकट थे। हर पराजय विजय यात्रा के मार्ग में आने वाली एक अनुभव मात्र होती है। ऐसा अनुभव जो हमें कुछ और सिखाता है, हमारी कमियां हमें बताता है, हमें विजय के और निकट ले जाता है। इसलिए यवनों से मिली पराजय को भुला दीजिए, आइए मिलकर एक बार फिर हम सब एक और प्रयास करते हैं। मिलकर किया हुआ प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। मिलकर आज हम अपना, अपने देश का एक नया इतिहास रच सकते हैं, एक नया समाज गढ़ सकते हैं, नियति के लिखे तक को बदल सकते हैं। आज हमारे समक्ष जो अवसर है, ऐसा अवसर भाग्यशालियों को ही मिलता है। अपनी मातृभूमि को विदेशी आक्रमणकारियों से मुक्त करवाने का अवसर, अपने ऋण से उऋण होने का अवसर, अपने राष्ट्र के नव निर्माण का अवसर, अपने गौरव को पुनः प्राप्त करने का अवसर, अपनी मातृभूमि के लिए मर मिट जाने का अवसर। तो आइए अपनी मां की लाज बचाएं, मिलकर इन विदेशियों को मार भगाएं। निर्णय
आपको लेना है।